धर्मनगर कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने धूमधाम से जींद उपचुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं समेत लड्डू बांटकर लोगों का धन्यवाद किया और चुनाव लड़ रहे कई नेताओं पर निशाना साधा। साथ ही ईवीएम में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर बोले कि चुनाव हारने के बाद अब यह लोग कभी ईवीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कभी पैसे का आरोप लगा रहे हैं, पर सच यह है कि जींद की जनता ने इन सभी नेताओं को नकार दिया है और बीजेपी की नीतियों पर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की दूरगामी सोच पर मोहर लगाई है। उन्होंने कहा, जींद की जनता ने कहीं स्वयंभू नेताओं का राजनीतिक भविष्य समाप्त कर दिया है और जनता ने हर चुनाव में बीजेपी को जिताकर यह साबित कर दिया है कि अब जनता विपक्षी दलों को वक्त के मूड में नहीं है। कोई ताऊ देवीलाल के नाम पर चुनाव लड़ रहा था और कोई स्वयंभू राहुल गांधी का आशीर्वाद लेकर भावी मुख्यमंत्री बनकर जींद की धरती पर चुनाव लड़ने के लिए आया था। आज जींद के ऐतिहासिक मैदान पर, जींद की राजनीतिक धरती पर पहली बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक सामान्य से परिवार के कार्यकर्ता को जींद के मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद देकर कमल के फूल को खिलाने का काम किया। मोदी जी की, मनोहर जी की जो नीतियाँ हैं, भ्रष्टाचार और भयमुक्त शासन और प्रशासन, परिवारवाद से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, क्षेत्रवाद से मुक्ति, इन सभी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की टीम चुनाव लड़ने के लिए गई थी। आज करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के खून पसीने जो मेहनत किया था वहां पर, उसका रिजल्ट कमल के रूप में खिलने का वहां पर काम हुआ है। और पाँचवें साल में यदि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव जीतता है तो अवश्य ही मनोहर जी की नीतियों को हरियाणा की जनता ने पसंद किया। मनोहर जी के कामों को, आगे सोच को लोगों ने पसंद करना का काम किया है। और जो परिवारवाद, क्षेत्रवाद और इलाकावाद और स्वयंभू नेतृत्व का नारा देकर जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनको धूल चिटाकर उनका राजनीतिक भविष्य खत्म करने का भी जींद की ऐतिहासिक धरती ने काम किया। जिस तरह से सातवें राउंड में बीजेपी 13,000 वोटों से आगे थी तो अचानक से ईवीएम मशीन का रोड़ा डाला गया, उसका क्या कारण? अभी तो आप देखिए ना, जब इन लोगों के नीचे पैर ऊंचे जमीन खिसक रही थी, ये कभी ईवीएम का बहाना लेंगे, कभी पैसे का बात बहानेबाजी करेंगे, कभी शासन और प्रशासन को बेईमान बताएंगे। परंतु जब ये खुद सत्ता में थे, इन्होंने जनता की, हरियाणा की जनता के साथ कितना बेईमानी किया, हरियाणा की जनता उसका बदला लेने के मूड में है। चाहे कोई नगर परिषद का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, ब्लॉक समिति का चुनाव हो और 5 मेयरों का चुनाव हो और उसके बाद बाय इलेक्शन जींद का हो, अभी भी जनता का, हरियाणा की जनता का इन कांग्रेसियों के खिलाफ, इन लोक दलियों के खिलाफ, इन जननायकों के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुआ है। इस तरह से पूरा होगा।